हेलो गाइस, तो मैं सुनीता प्रजापति आप सभी का अभिनंदन करती हूँ फिर से अपने एक न्यू ब्लॉग में। तो मेरा टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आज आपको टेरेस गार्डन के साथ साथ आप नर्सरी भी देखिएगा। और आज मैं आपको दिखाऊँगी कि देखिए मैं नर्सरी के बाद में और टेरेस गार्डन के बाद में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि दही बड़े कैसे बनाए जाते हैं। दही बड़े को बिल्कुल सिंपली और बहुत ही ज़्यादा सरल है और टेस्टी तो इतने ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। और देखिए किस प्रकार से आपको कलर फ्रूट डालना है या फिर फ्रूट कलर डाल के बनाना है या फिर नहीं, किस तरह से सौंफ और चटनी बनती है, देख रहे हैं तो चटनी में क्या क्या डाला जाता है, सब आपको मैं बताऊँगी दिखाऊँगी। और चलिए मैं आपको नर्सरी में लेके आ गई हूँ। सबसे पहले नर्सरी देख लेते हैं। तो नर्सरी के बारे में बात कर लेते हैं, लास्ट में आपको अच्छे से दिखाऊंगी सब कुछ, कौन सा पौधा किस तरह का है और कौन सा क्या रेंज का है। यहाँ पे हर प्रकार के बैंगन और गोभी भी है और भी बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए। तो देखिए कितनी सुंदर, यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाऊँगी मैं, कंटिन्यू बने रहना व्लॉग में। और सबसे लास्ट में वीडियो ज़रूर देखना, बिल्कुल स्किप नहीं करना, कट नहीं करना है, नहीं तो आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर अपने लाइफ में थोड़ा सा भी अगर पार्ट कट करेंगे तो थोड़ा सा भी आप खो देंगे तो अच्छा सा नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको अच्छे से बाग भी दिखाने वाली हूँ जो कि अमरूद छोटे छोटे पेड़ों पर लधे पड़े हैं एक साथ, और गमले वगैरह भी सब दिखाने वाली हूँ मैं आपको अभी। तो यहाँ पर अपने टेरेस गार्डन के साथ में मैंने सोचा कि नर्सरी भी दिखा दो। तो चलिए नर्सरी में आ गए हैं, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। देखो लास्ट में ही मैंने अपने किचन से रिलेटेड तो वीडियो बनाई है जो कि दही भल्ला, जो दही बड़े मैंने बनाए हैं। तो कुछ बचा नहीं है यहाँ पे, शेयर कर देती हूँ। तो चलिए वीडियो की वजह से बच रहा होगा, है हम नर्सरी के अंदर प्रवेश हो चुके हैं आप सब। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है और इतने सारे पौधे हैं। देखो ये जो बड़े गमले में ये बच रहे हैं और यहाँ नीचे मट्टी भी है, पानी भी लगाते रहते हैं। ये शायद कलौंदे का पौधा है। तो किचन गार्डन नर्सरी लाइफ जो मेरा चैनल, मैं बोल रही हूँ आपसे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ और लेके आती रहती हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर सब पेड़ पौधे हैं लेकिन पता ही नहीं चल रहा है, अप्रैल मई जून जून चल रहा है और जून मंथ में अप्रैल से लेकर इतनी आग पड़ रही है कि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों का पता ही नहीं रहा है। देखो कैसे हो रहे हैं ये, और ये नीचे ज़मीन में है, सब फूके पड़े हैं। देखो अभी और कुछ बहुत कुछ है देखने के लिए, दिखाने के लिए मैं अभी बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ आपको, बने रहना। और चल के पूछते भी हैं इधर को कि कौन से पेड़ पौधे कहाँ पर और कौन कौन से हैं और कितने पैसे के हैं। ये तो मेरे पास कलम से ही है जो कि कलम मिल गई थी मुझे। तो देखिए ये किसी में कुछ नहीं जम रहा है, सब गर्मी की वजह से सब फूक रहा है। अभी आगे को दिखाती हूँ, ये काय के पेड़, ये किसी चीज़ के पेड़ हैं तो ये हरे हैं और ये बड़े हो रहे हैं। देखो ये है किसी चीज़ के तो यही बो रखे हैं, इसमें और जमे नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक पेठा भी इनका लगा हुआ है, इन्होंने बेल वगैरह लगा रखी है। सब सूखे पड़े हैं, बस सुंदरता इनमें बच रही है। देखो ये कितने बढ़िया लग रहे हैं। और वहाँ पल्ली तरफ कुछ लग रहा है, कोई गोभी की पौध है शायद। तो चलो देखते हैं गोभी की पौध। यहाँ पर तो दिख रही है कुछ बैंगन की पौध भी दिख रही है और गोभी की पौध भी यहाँ पे दिख रही है। और ये पास में ही रोड चल रहा है, कितने सुंदर ये लग रहे हैं। इनका गमला ये है, अच्छे लग रहे हैं। इनकी कटिंग होती है ऐसे करके,
तो यहाँ पे बैंगन के पौधे हैं कुछ, ये देखिए बैंगन काफ़ी हो रहे हैं। और देखेंगे कि कौन से बैंगन के पौधे हैं ये, यहाँ पे इस बेल को देख लेती हूँ, ये है फ्यासबीन, ये जो आप देख रहे हैं ये है फ्यासबीन, देखो कितनी लंबी हो रही है ये फ्यासबीन जो बेल वाली है, और ये ऊपर चल रही है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ये बैंगन के पौधे इतने अच्छे अच्छे हो रहे हैं, तो यहाँ पे ज़मीन है, मिट्टी है, और यहाँ पे सीलक भी है, इसलिए ये पौधे रुक रहे हैं। छत पे तो रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता, देखिए ये देखिए, ये देखिए, वहाँ पे लिप्टिस के पौधे हैं। मुझे सब्जियों के पौधे बहुत अच्छे लगते हैं और फलों के, तो मैं देखती हूँ मुझे क्या क्या मिलता है यहाँ पे, और जो मिल जाएगा उसे बताऊँगी मैं, दिखाऊँगी। तो इस नर्सरी में मुझे हरियाली मिली है, लेकिन यहाँ पे पानी भर रहा है और यहाँ पे पानी चलाते रहते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये ज़मीन है, देखो मिट्टी है ये, और ये दोनों पौध मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। पल्ली तरफ बैंगन की है और ये गोभी की है, ये पता नहीं पत्ता गोभी है फूल गोभी है। और ये पौधे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि निधिवन में होते हैं गोपियों के, तो यहाँ पर अच्छे हैं, हरे हैं। ये रानी जी के पौधे हैं और ये अमरूद के हैं, गवावा। अमरूद के पौधों पर कली तो आ नहीं रही, गुड़हल है, पेरी गुड़हल येलो कलर की। और ये देखो ये फिर में पानी नहीं दिया है, ये थोड़ा सा एक दो दिन लेट हो जाते हैं। गेंदा होता है, ये जो गेंदा है मैंने भी लगा के रखा है गेंदा, तो काफ़ी सारा गेंदा इतना बड़ा बड़ा हो रहा है। मेरे पास जो है वो मेरा भी कलम ग्राफिंग से है, तो मेरा भी बहुत बड़ा गेंदा हो रहा है। तो ये मोरपंख होता है जो कि ये देख रहे हैं आप, कितने सुंदर है, देखो ये मोरपंख है। और यहाँ पर जो है कहाँ चले गए नवरीले, यहाँ पे तुम ही हो एक और भी तो रह रही थी आंटी, चलो जो भी है हो तो तुम सब। तो मुझे लीची का पेड़ मिलेगा, कुछ पेड़ लेने हैं मुझे, तो तुम्हें गर्मी लग रही तो यहीं आके ठंड महसूस कर रहे हो। ये कौन सा प्लांट है भाई, तो ये देखिए इससे भी सांप नहीं आता है घर में। और एक प्लांट और है जिससे सांप नहीं आता है घर में, वो प्लांट थी वो रहा वहाँ पे। और देखो इतने सुंदर लग रहे हैं पौधे, ये क्या वाला है, ये छोटा, हाँ ओ भाई ये छोटा वाला है, 40 रुपए वाला है, ये वही जो मैं पहले लेगी थी छोटा सा इससे, और वो पता नहीं क्या हुआ सब वो सूख गया, छत पे है मेरे बहुत सारे पौधे लगी थी मैं यहाँ से। तो ये वैसे अगर लेने वाली बात है तो 100 रुपए का मिल जाएगा, 100 का नहीं मिला है इससे छोटा जो, या बढ़ा दिया। और बताऊं तो ये 150 रुपए का है, इसका नाम क्या नाम बता, इसका नाम नहीं पता नर्सरी वालों का, देखो तो मुझे क्या नाम, करटन, हाँ। और जिससे सांप जो भागता है ये, हाँ का नागिन का बच्चा है, तो नागिन का बच्चा जो प्लांट है इससे भागते क्या ने? अच्छा सूख जाएंगे, नहीं मिट्टी तो यहाँ पे गीली हो रही ना, ना यहाँ पे तो, हाँ यहाँ पे तो ऊपर भी छाव है थोड़ी, यहाँ पे तो ऊपर भी छाव और पानी चलता रहता है ना, मिट्टी है जमीन है ना, और पौधा भी काफी मोटा है, तो ये नहीं सूखने का, जो हल्के होते हैं ना वे सूख जाते हैं, जैसे कि ये छोटे हैं।
ये कौन सा प्लांट है, बेल सी चल रही है इसकी, नाम पता ना नाम पता नहीं है और बेल लग रहे हो। चलो तो लीची का तो होगा। अमरूद की कली तो बहुत आ रही है ताऊ, हैं? हाँ, ये बड़े बड़े पौधे ना देते हो तुम, है ना? हाँ यही तो है, ये बड़ा भाई वो कटिंग कर दिया। तो वैसे इनमें तो तुम बेच लेते होगे, वैसे जब इतनी मेहनत करो यहाँ पड़े रहो, जैसे ये अलग रहे हैं तो इन्हें तो बेचते होगे ना अमरूदों को। हाँ पके हुए नहीं तो कह रही हूँ मैं, यही बाग में से ही 40 रुपये 50 रुपये किलो दिया है आपके तो। अच्छा ये फल के लिए ही तो लगा रखा है। अमरूद भी मोटे दिखे हैं। हाँ, पपीते जो पके हुए हो और मीठे हो तो दो 2-4 किलो। नहीं ऐसे एक अद्दे तो ले जाओ, ऐसे बिक्री लायक नहीं है। अच्छा जैसे ऐसे पका हुआ तो नहीं है अभी, फ्री में तो हम भी ना लेना चाहते था, दे तो दे दो तुम 10 भी। अच्छा और ये कौन सी, ये फुलवाड़ी है ताऊ? हाँ। और देखो इनमें तुमने कुछ लगाया होएगा पर ये जमानी है, जम रहा है इनमें, जम कहाँ जम रहा है, कोई कोई घास घास जम रही वो नहीं है, नहीं आगे जम रहा है कोई कोई, ये करके देखो बीच में तो जम रहा ग्यारह ग्यारह जो जम रहा ना। मेहनत काफी कर रखी है, सब में जम जाएंगे ये, सब में ना जमे लेकिन 90% तो जमने चाहिए। क्या वो रखा है इनमें, वो यारी का फार्म है। वो देखो एक जम रहा है, वो देखिए। अच्छा ये रहा, ये जम रहे, ये जम रहे। अच्छा ये है इसमें, ये जम रहे तो ऐसे तो फिर भी क्या पता जम जाएंगे। तो मैं लीची का और उसका पौधा लेना आई, नींबू का फिर से मैं कहा ये 3 पौधे लेगी मैं, वे सूख गए, छोटे छोटे से लेगी मैं, इतने बड़े बड़े से तो तीनों पर खूब फल आया, मतलब फूल ही फूल खूब आया, और अभी आया वो 2-3 दिन के भीतर ही सूख गए अभी। अच्छा, हाँ तो मैं सोच रही मैं कहा नर्सरी में हरियाली होगी, मैं कहा ताऊ को बताऊंगी लेखाऊंगी मैं का पेड़, और एक मैं तुमसे फिर तुम्हें कुछ कम करके देने पड़ेंगे 10-20 रुपए पहले, अब मेरी याद है। देखो गमले भी कितने ढेरों लग रहे हैं यहाँ पे बना के, ये है जेड प्लांट जो कि मेरे पास लग रहा है। ये है लीची के पौधे जो कि बड़े बड़े थे, सब उठ गए हैं यहाँ पे और यहाँ से ये बच रहे हैं। ये वाला नींबू का क्या रुपए का बताया? हाँ जी ये नींबू का, ये वाला नींबू का अब लेके गए तो हैं, बता तो रहे हैं, लेने आए तो हैं, पर अभी वे कह रहे हैं ताऊ कि बारिश पड़ जान दो एक, है ना, पूछ नहीं रहे, पूछ
पूछ भी लेंगे, देखा देख भी लेंगे, दिखा भी लेंगे तो कौन दिखाएगा तेरा फूंदला फनमन सा, रोकते इसे पीछे से। क्या कर रहे हो अभी? मैं दाल के बड़े बना रही हूँ। ओके। डायरेक्ट दही में डालने वाले, इस बार मैं पानी में नहीं डालूंगी। भरी गर्मी में इतनी तगड़ी गर्मी, ज्येष्ठ का महीना यानी जून मंथ, अप्रैल मई जून मंथ के महीने में कितनी तगड़ी गर्मी है, कितनी तगड़ी गर्मी है। छत पर सब्जी उगानी मौत हो गई है। जी हाँ, ये हरा धनिया देख रहे हैं, हरी मिर्च देख रहे हैं और पुदीना देख रहे हैं, और इसमें अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसी की मैं चटनी बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे दाल के यहाँ पे बड़े बन रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपली बड़े बना रही हूँ। और इस बार मैं पानी में नहीं ऐड करने वाली हूँ, ना ही कोई कुछ भी ज़्यादा तामझाम करने वाली हूँ। और इस साइड में मेरी चीनी का देखिए सोट पक रही है, चीनी का बखर बोल सकते हैं, बखर नहीं ये सोट है। तो ये सोट में आप चाहे तो कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं डालूं या ना डालूं वो मेरी मर्जी, तो ऐसे ही आपकी भी मर्जी होती है। आप किसी चीज़ में कलर डाल रहे हैं या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए मैं डालने वाली हूँ चुटकी भर, लेकिन अभी नहीं, पहले मैं बड़े फ्राई कर लेती हूँ यहाँ पर। अब आपको मैं दिखा दूँ कि ये है दही, जो कि एक लीटर दूध से भी कम दूध में ये जमी थी दही। और यह दही आप देख सकते हैं कि ये बारीक हमने चला ली है, एकदम बारीक छोटी सी रही के मदद से हमने ये चला ली है मुदानी से। आप इसमें हम बर्फ़ या फिर पानी डाल सकते हैं, ठंडा, एकदम ठंडा होना चाहिए। और इसमें चुटकी भर हींग डाल सकते हैं। मैंने हींग बड़ों के अपनी दाल में डाला था, जो कि उर्द दाल मैंने फुला के रखी थी 2 घंटे। और गर्मी के महीने में अच्छा है, मौसम में गर्मी हो तो 2 ही घंटे फुलें। सर्दी है, अगर आप बड़े बना रहे हैं तो सर्दी में आप पूरी रात के लिए भी फुला के रख सकते हैं और पूरे दिन के लिए भी। तो यहाँ पर मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँगी ये आपको दिखा दूँगी इसमें, ठीक है। यहाँ पर चलिए, ये है मैंने फ्रिज में से निकाल ली है एक पानी की, ठंडे पानी की बोतल, क्योंकि ठंडे पानी की तो अब इतनी चाहत है कि बस पूछिए मत। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ बड़े, देखिए कुछ ज़्यादा ही पतला करना है, क्योंकि पानी जब इतना ज़्यादा पिया जा रहा है तो ये तो कुछ भी नहीं। तो देखिए दही थोड़ी थी, 1 लीटर से भी कम दूध था, 3 पाव दूध की दही थी और एकदम फ्रेश दही थी, खट्टी नहीं थी। अब मेरे बड़े यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। देखिए ध्यान रखें कि लो फ्लेम पर फ्राई करने हैं, एकदम हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले मैं इस प्लेट में निकालती हूँ और फिर किस तरह से मैं इन्हें डालती हूँ। और ये मैंने सरसों के ही तेल में फ्राई किए हैं गाइस। जी हाँ, ये मस्टर्ड ऑयल है, इसी में ही फ्राई कर लिए हैं मैंने। अगर आपके पास कोई और ऑयल नहीं है तो अब फिर से भी दूसरा घान डालने के लिए देखिए कढ़ाई में, यहाँ पर हमें थोड़ा सा फिर से फैट लेना होगा, क्योंकि इसमें जो लम्स हैं ये एकदम इक्वल होना चाहिए, मतलब कि सभी में मिक्स हो जाने चाहिए। ये जो आप झाग देख रहे हैं, देखिए कहीं को गड्ढे हैं, इस तरह से चलाते हुए फैटते हुए हम फिर से एक चम्मच की ही स्मूथ की मदद से ही देखिए बड़े को लेके चलते हैं कढ़ाई में, और यहाँ पर डालते हैं इस तरह से। ध्यान रखें जब बड़े को आप फ्राई करने के लिए फैट रहे हैं तो एक ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैंने सोचा मैं बना रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ा सा शेयर कर दूं अपने गार्डन के साथ में ही।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले डालेंगे जो हमने सौंठ बनाई थी, और चुटकी भर मैंने इसमें चाट पाउडर डाल दिया था, चाट कलर जो कि मेरे पास फ़िलहाल वही था तो मैंने वही डाला है। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले सौंठ के बाद, देखिए ये मेरी हरी चटनी है और मैंने ये इसमें डाल दी है। अब हम इस पतीले में डालेंगे, देखिए ये जो मेरा मसाला है ये भी घर का बना है, ये लाल मिर्च भी सूखा के मैंने तवे पर, मैंने रोटी तवे पे सुखाई लाल मिर्च जो साबुत होती हैं, और जीरा भूनकर ये पीस के रखा है अलग, ये देख सकते हैं, ये देखिए, और ये पाउडर मैंने बना के रखा है। तो ये है चाट मसाला जो बना के रखा है मैंने, छोलों में भी डाल सकते हैं आप जिसमें चाहें। इसमें अब मैं डाल देती हूँ और जो हमारा रोज़मर्रा का नमक होता है और थोड़ा सा काला नमक, क्योंकि इस बार मैं मिक्स में ही बना रही हूँ, तो यहाँ पर ये मिक्स हो गया है। अब मिक्स होने के बाद इसे चला देंगे और सभी को परोस देंगे। ये देखिए दही बड़ा हमारा बिल्कुल तैयार है, आप चाहें तो इसे एक प्लेट भी समझ सकते हैं। और ये हमारे पूरे 200 ग्राम दाल में 3 किलो दही बड़े बनके रेडी हुए हैं, और अभी मेरे अलग भी कढ़ाई में हैं, यकीन नहीं आता तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए अभी ये भी बच रहे हैं तो इन्हें भी मैं डालूँगी इसमें। ये देखिए, ये देखिए, तो इस बार मैंने पानी में नहीं डाले हैं और मैंने कोई डूंगाहर भी नहीं लगाया है, जैसे कड़सी वगैरह कोयले वगैरह का डूंगाहर लगाते हैं वो भी नहीं लगाया है। तो चलिए एक प्लेट में निकाल के देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने प्लेट ली है और यहाँ से हम ले लेते हैं बड़ा, जो कि हमारे बड़े आप देख सकते हैं। ये देखिए एक बड़ा हमारा 15 रुपए का है, ये 15 रुपए का माना जाता है, और मैंने दही बहुत ज़्यादा बारीक नहीं चलाई है, देखिए। और ये मैंने लास्ट में जो अभी डाले हैं वो मैंने बड़ा निकाला है, लास्ट वाला। अब गाइस मैं बड़े की फीलिंग दिखा देती हूँ आपको कि फीलिंग किस प्रकार की है। ये देखिए फीलिंग हमारी एकदम बढ़िया है, ये देख सकते हैं अंदर तक एकदम सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट है, ये देख सकते हैं अपने आप ही सॉफ्ट हैं, तो छूट रहे हैं चम्मच से। तो हमारे बड़े तैयार हुए हैं इस प्रकार से, और भी कई तरीके हैं लेकिन ये सबसे आसान तरीका है जल्दी बनने का, दही बड़े बनाने का। ध्यान रखें कि दही जो होती है हमारी, दही को बारीक ही चलाना चाहिए, मैंने बारीक ज़्यादा नहीं चलाया है। आवाज़ तो हम खो गए, कब नींद से जागे कब सो गए। नाली का साग हम आज चुमा से चल रहे हैं, और बारिश पड़नी और आंधी आनी तैयार हो गई है, चालू हो गई 4 दिन पहले से। तो चलिए हम हार्वेस्टिंग करते हैं नाली का साग, और अभी यही नहीं और भी है बहुत। तो गाइस मेरी आपको ये मेहनत कैसी लगी, यहाँ पर सुनीता किचन गार्डन नर्सरी लाइफ मेरा चैनल है, तो मैं अपनी लाइफ को जो भी मैं करती हूँ आपको दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताना, देखिए ये बेल अभी हरी थी जो मैंने अभी आपको दिखाई है, हरी है, और सुबह के टाइम ये सूख जाएगी, मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी क्यों सूखेगी। देखिए ये ऊपर वाली भी हरी है, एक ही बेल में से 2 ब्रांचेस हैं ये, और दोनों की दोनों रूटिंग्स ये सुबह को सूख जानी है, और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, वो वीडियो ज़रूर देख लेना कि सूखी हुई मुरझाई हुई बेल को किस तरह से हरा रखा जा सकता है, और उसका भी रिज़ल्ट आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी तीसरी वीडियो में।
और दूसरी में सूखी देखना। इसमें आप देख रहे हैं, देखा था अभी आपने पहले पीछे कि इसमें हरी थी। यहाँ पर देख सकते हैं सारी सब्जी अच्छे से हो रही हैं और दो तीन दिन से थोड़ी सी बारिश क्या होने लगी, सभी एकदम रूटिंग करने लगे हैं और बहुत अच्छी अच्छी ब्रांचेस निकलने लगी हैं। अच्छे से बेल और सभी सब्जियां रोटिंग्स कर रही हैं और फ्लावरिंग्स भी अच्छा आने लगा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे कद्दू लौकी यहाँ पे मेरे लग रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें।